तो दोस्तों फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने 21 क्रेडिट कार्ड का डिवैल्यूएशन कर दिया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक गुड न्यूज भी है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। तो चलिए जानते हैं सारा का सारा मामला डिटेल में। तो गाइस, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखें यहाँ पर 21 क्रेडिट कार्ड की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, एंड अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपके क्रेडिट कार्ड का डिवैल्यूएशन हो चुका है। अब आपको आपके आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल में आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फीचर्स मिलेगा, बट इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है, और टर्म एंड कंडीशन ये है कि 1 अप्रैल 2024 से अगर आपको अपने आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फीचर्स चाहिए, बेनिफिट चाहिए, तो आपको मिनिमम एक क्वार्टर के अंदर 35,000 रुपये खर्च करने होंगे। एक क्वार्टर का मीन्स होता है 3 महीने। मान लेते हैं कि अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर 35,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तब आपको अप्रैल और मई के अंदर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर सेकंड पॉइंट से अगर बात किया है, तो यहां आपको आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर डायनेमिक करेंसी कन्वर्जेशन फी भी देनी होगी, और ये 1 फरवरी 2024 से ही इफेक्टिव हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे आप विदेश में रहकर ट्रांजेक्शन करें अपने क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप इंडिया में रहकर विदेशी ट्रांजेक्शन करें, कुल मिलाकर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, तब आपको अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% प्लस 18% जीएसटी चार्ज देना होगा। एंड अगर यहां थर्ड पॉइंट की बात की जाए, तो अब आपको आपके आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा रेंट पेमेंट करने पे और ई वॉलेट लोडिंग के ऊपर, लेकिन उल्टा आपको सरचार्ज देना होगा। जैसे अगर आप फ्यूल वगैरह लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वहां आपको एक सरचार्ज फी देनी होती है, साथ में उसके अंदर 18% जीएसटी भी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड से अब रेंट पेमेंट करते हैं या फिर ई वॉलेट लोडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर सरचार्ज देना पड़ सकता है। खैर, ये अभी 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन न्यूज तो यही निकल कर आ रही है। एंड चलिए अब फाइनली बात करते हैं एक गुड न्यूज के बारे में, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से निकल के आई है। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस हैं, उन सभी के ऊपर रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, पहले नहीं मिलते थे। कुल मिलाकर जो यूटिलिटी पेमेंट्स वगैरह हैं, वो सेम पहले की तरह कंटिन्यू रहेंगे, उनके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट्स जैसे पहले मिलते थे, वैसे ही आज भी मिलेंगे। एंड इसके अंदर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड पेमेंट करते हैं, तो वो भी यूटिलिटी बिल के अंदर काउंट किए जाएंगे 1 फरवरी 2024 से, और उसके ऊपर भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर आपका, जैसे कि इनकम टैक्स पेमेंट हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ईटीसी, इस तरह के तमाम ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि सरकार से रिलेटेड हैं, तो उन ट्रांजेक्शन के ऊपर अब आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये एक गुड न्यूज थी जो कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से निकल के आई है। खैर दोस्तों, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड है, और क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं या नहीं करते हैं, क्या आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है या फिर आप उसकी एनुअल फी पे करते हैं। तो खैर चलिए, फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।